हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जसमीत कौर. सो मैथमेटिक्स एज वी हैव टू स्टडी इट इन आर डेली लाइफ, हम डेली लाइफ में इसको अपने स्टडी करते हैं. और स्टूडेंट्स, और ये सभी को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे थिंक दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट डिफिकल्ट, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. अब डिफिकल्ट, अगर आप इसको डिफिकल्ट समझोगे तो आपको ये डिफिकल्ट लगेगा, अगर आप इसको इंटरेस्टिंगली पढ़ोगे तो आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा. तो आपको करना क्या है बेटा, आपको इसको, इससे डरना नहीं है. जितना आप इससे डरोगे उतना ही आपको डराएगा, जितना आपको इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे उतना ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा. सो ऐसे ही हम छोटे छोटे टॉपिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथड्स के साथ डिस्कस करने के लिए, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के साथ हम इसको करेंगे. तो इसके, अगर ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को आप इंटरेस्टिंग टिप पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए आप अपने बेल आइकन पे प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो ऐसे इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके सामने लेके आए हैं, दैट इज़ सिलेंडर्स. सिलेंडर, बहुत बार आपने ये वर्ड को सुना हुआ है, बहुत बार आपने इसको अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारी सिलेंड्रिकल थिंग्स जो आपने देखी भी हुई है. सो व्हाट इज़ ए सिलेंडर, अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करें तो व्हाट इज़ ए सिलेंडर. सिलेंडर, एज यू कैन सी इट इन द डेफिनेशन, दिस इज ए थ्री डायमेंशनल फिगर. थ्री डायमेंशनल फिगर, एज द नेम सजेस्ट, थ्री डायमेंशनल. थ्री डायमेंशनल मीन्स इट हैज़ थ्री डायमेंशंस. अब थ्री डायमेंशंस कौन कौन सी होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. एरियर क्लासेस में हमने क्या क्या हुआ है, टू डायमेंशनल फिगर्स लाइक रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी टू डायमेंशनल फिगर्स आपने क्या किया, अपनी नोटबुक पे बहुत बार ड्रॉ की हुई है, इनके एरियाज के बारे में, सब कुछ के बारे में आपने डिटेल इसको स्टडी किया हुआ है. बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टडिंग अबाउट थ्री डायमेंशनल फिगर्स. सिलेंडर, इट इज ए थ्री डायमेंशनल फिगर which has length, breadth as well as height. ठीक है, जो सारी थ्री डायमेंशनल फिगर्स हैं उनकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है एंड हाइट भी है. एंड वट इज मेन थिंग अबाउट सिलेंडर, इट हैज़ टू सर्कुलर फेसिस. एंड यू कैन सी टू सर्कुलर फेसिस, वन इज एट द अपर पार्ट एंड सेकेंड इट इज एट द लोअर पार्ट. एंड दीज टू सर्कुलर फेसिस आर जॉइन बाय curved surface, right? So what is basically a cylinder, this is a three dimensional figure which has two circular bases and which are joined by or connected by a curved surface. Now if we talk about examples of cylinder, very common examples of cylinder, aap sabhi ke haath mein is time kya hai, ek pen pakda hua hai. Pen, what is the shape of a pen, that is cylinder, right? जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो कैन में, कैन की कौन सी शेप होती है, दैट इज ऑल्सो ए सिलेंडर. बहुत सारी कॉमन एग्जाम्पल्स आपको अपनी डेली लाइफ में, अपनी सराउंडिंग्स में मिल जाएंगी. अब पाइप है, वुडन लोग है, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, राइट. नाउ बिफोर स्टडिंग इन डिटेल दैट वॉट इज द एरियाज ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट हाउ दिस सिलेंडर इज फॉर्म, वट इज द फॉर्मेशन ऑफ द सिलेंडर. सो वट वी विल डू, वी विल टेक वन रेक्टेंगुलर शीट. सी, दिस इज ए रेक्टेंगुलर शीट, प्लेन पेपर हमने लिए रेक्टेंगल. सो दिस इज अ लेंथ ऑफ द सिलेंडर, सो दिस इज अ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड दिस इज अ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल. वट वी विल डू, फ्रॉम दिस रेक्टेंगुलर शीट वी विल फॉर्म अ सिलेंडर. अब फॉर्म कैसे करना है इसको आपको, देखिए वी आर गोइंग टू ज्वाइन दिस रेक्टेंगुलर शीट फ्रॉम एंड टू एंड. अब हम क्या करते हैं इसको और इजी करने के लिए, यहाँ पे हम इसको स्टेपल कर देते हैं, राइट. सी, वी विल ज्वाइन इट फ्रॉम एंड टू एंड. रेक्टेंगुलर शीट थी हमारे पास. नाउ व्हेन वी ज्वाइन इट फ्रॉम एंड टू एंड, हमने इसको क्या किया, एंड टू एंड ज्वाइन किया, राइट. एंड टू एंड ज्वाइन किया तो हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिलेंडर में कन्वर्ट हो गया. नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस वॉज अ
लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, जो लेंथ थी रेक्टेंगल की वो किस में कन्वर्ट हुई है, लेंथ ऑफ द सर्कल, सर्कल की लेंथ में कन्वर्ट हो गया. एंड व्हाट वाज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, दिस वाज द ब्रेथ एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू द हाइट ऑफ द सिलेंडर. एज यू कैन सी हियर, लेंथ इज कन्वर्टेड इनटू द लेंथ ऑफ द सर्कल एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इट इज कन्वर्टेड इनटू द हाइट ऑफ द सिलेंडर. राइट, नाउ नेक्स्ट कम्स एरियाज ऑफ सिलेंडर. When we talk about areas of cylinder, there are two types of areas. हमारे पास क्या है, दो तरह के areas हैं. Now the first one that is curved or lateral surface area of the cylinder. Curved or lateral, as you can see here, it in the picture, curved portion, it is in dark color. ठीक है, जो curved portion है वो dark color, it means curved area. वॉट इज अ कर्व्ड एरिया, कर्व्ड एरिया क्या है हमारे पास, जो हमने कर्व्ड और लेटरल और यू कैन सी साइड, ठीक है, साइड का जो एरिया है दैट इज नोन एज कर्व्ड एरिया. एंड सेकेंड इज टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. एज यू कैन सी है, टोटल मीन्स हमने क्या करना है, सारी की सारी सर्फेसिस का एरिया जो है कैलकुलेट करना है. राइट, नाउ वी विल डिस्कस इट इन डिटेल दैट वॉट इज कर्व्ड सर्फेस एरिया एंड वॉट इज टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड हाउ दिस एरियाज आर ड्राइव, हमने एरियाज को कैसे ड्राइव किया. राइट, फर्स्ट कम्स कर्व्ड सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. कर्व्ड और यू कैन सी, यू कैन राइट इट एज लेटरल सर्फेस एरिया ऑल्सो. नाउ कर्व्ड, कर्व्ड मीन्स इट इज द एरिया ऑफ द कर्व्ड सर्फेस ऑफ द सिलेंडर एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम. हमने इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड पार्ट का एरिया लेना है. वी विल नॉट इंक्लूड टॉप एज वेल एज बॉटम. नाउ फ्रॉम दिस रेक्टेंगुलर शीट वी हैव कन्वर्टेड इनटू ए सिलेंडर. हमने क्या किया, इसको सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया. इट मीन्स एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस सिलेंडर. राइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सिलेंडर. एंड वॉट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इन योर प्रीवियस क्लासेज यू नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेथ. नाउ वॉट इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये जो लेंथ थी रेक्टेंगल की दैट इज कन्वर्टेड इन टू लेंथ ऑफ सर्कल. वॉट इज लेंथ ऑफ सर्कल, दैट इज सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कम्फ्रेंस और यू कैन से सर्कम्फ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सर्कल. एंड वॉट इज सर्कम्फ्रेंस, दैट इज 2πr. सो वी विल राइट हियर 2πr. And what is breadth of rectangle? Breadth of rectangle, it is converted into height of cylinder. So, that is equal to h. So, if we have to multiply length into breadth, that is equal to 2πr into h, that is equal to 2πrh. So, what is curved or lateral surface area of cylinder? That is equal to 2πrh. Now, next comes टोटल सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर. एज अ नेम सजेस्ट, टोटल, टोटल मीन्स इट इज अ सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द सर्फेसिज ऑफ द सिलेंडर. हमने क्या करना है, जितनी भी सिलेंडर की सारी सर्फेसिज को एरियाज को ऐड कर देना है. लाइक यू कैन सी हियर इट इन द पिक्चर. नाउ व्हाट आर द सर्फेसिज ऑफ द सिलेंडर, वी हैव डिस्कस्ड इट इन द डेफिनेशन ऑफ सिलेंडर. इट हैज थ्री सर्फेसिज, कौन कौन सी थी, लाइक this is first circle, right, this is curved portion and this is the second circle. So what we have to do, we will add all the three areas, area of first circle, area of second circle plus area of curved surface. अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये दो circles का area अलग अलग है या same है, you know these two surfaces are parallel to each other. ऊपर वाला पार्ट जो है और सिलेंडर का जो नीचे वाला पार्ट, अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे ऑब्वियसली दे आर पैरेलल. अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनका एरियाज भी सेम ही होने चाहिए. एंड इन आर प्रीवियस क्लासेस वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल दैट इज ऑल्सो इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ कर्व सर्फेस. अब एरिया ऑफ कर्व सर्फेस दैट वी हैव डिस्कस इट इन द प्रीवियस स्लाइड दैट इज इक्वल टू 2πrh. सो इफ वी विल एड इट विल बिकम 2πr² + 2πr into
h, and let's take 2 pi r common, that is equal to 2 pi r into r plus h. So what is our total surface area of the cylinder? That is equal to 2 pi r into r plus h, right? Now next comes volume of cylinder. Before discussing that volume of cylinder, we will discuss what is volume. Volume of any object. Now volume, this is the amount of space or region occupied by an object. Aap koi bhi object le lo, koi bhi object. Now what is its volume? It is the amount of space, jitni space or region isne occupy kiya hai, that is known as the volume of that object. Or in case of cylinder, this is the amount of space or region occupied by cylinder. And in general, what is the volume of cylinder? That is always equal to base area into height. Now as you can see this picture, this tank, it is in cylindrical shape, right? Cylindrical shape. And what is the base of this cylinder? That is circle. So what is the base area? Base area means area of cylinder. Area of cylinder into height. What is base area? Pi r square into height, that is h. So what is volume of cylinder? That is equal to pi r square into h. So this was all about our today's topic. So aise hi agar aapko acha lage to please press our bell icon and follow our channel. ऐसे ही बहुत छोटे छोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर हम आपके पास फ्रिक्वेंटली आते रहेंगे. थैंक यू सो मच.